स्वागत है आप सभी का रेड रीडिंग होड में। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक गांव को जो कि एक जंगल के किनारे बसा होता है, और वहां पे होती है मैली नाम की एक लड़की जो कि जंगल में पीटर के साथ वहां पर खेल रही होती है, और वह दोनों एक जाल बिछाकर खरगोश को पकड़ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है 10 ईयर्स बाद, जहाँ पर पीटर और मैलडी काफी बड़े हो चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। और मैलडी चाहती है मैं पीटर के साथ बाहर कहीं चली जाऊँ, लेकिन तभी उसकी बहन की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से मैलडी काफी परेशान हो जाती है और घर लौट जाती है। फिर वहाँ पर श्रद्धांजलि देने बारी बारी से गाँव के कुछ लोग आते हैं, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मैलडी की शादी हैनरी के साथ तय हो गई है। यह सुनकर पीटर वहाँ से चला जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ से हैनरी के डैड आते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों से कि हमें भेड़ियों को बांधना चाहिए ताकि गांव में कोई और ना मरे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग रेडी हो गए हैं और सभी लोग हथियार लेकर वहां से चले जाते हैं पहाड़ की ओर। और पहाड़ की ओर जाने से पहले वैल्डी अपने दादी से मिलने आती है जो कि जंगल में अकेले रह रही होती है। वह वैल्डी को एक रेड कलर का कपड़ा देती है जिसे ओढ़ने के बाद वह काफी सुंदर दिखने लगती है। और फिर हमें दिखाते हैं सभी गाँव वालों को जो कि भेड़िया की गुफा ढूंढ लेते हैं और उस भेड़िया का सर काट देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वैल्डी को जो कि अपने घर पर होती है और वह काफी ज्यादा दुखी में होती है क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी वैल्डी से। फिर हमें दिखाया जाता है वैल्डी को क्योंकि वैल्डी के डैड भेड़िया को मारने के चक्कर में भेड़िया से घायल हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से वैल्डी जाती है हैनरी से मिलने, पर हैनरी उसे वहाँ से भेज देता है। वह अकेले कुछ देर वक्त बिताना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है वैल्डी की माँ को जो कि हैनरी के डैड को लिपट कर रो रही होती है। यह देखकर वहाँ से वैल्डी चली जाती है और उसे कुछ सच्चाई पूछती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वैल्डी की बहन उसकी सगी बहन नहीं थी जो कि मरी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आते हैं फादर सुलेमान और वह लोगों को गाँव वालों को बताते हैं कि तुमने जिस भेड़ियों को मारा है वह भेड़िया एक नॉर्मल भेड़िया है या कोई आदमखोर भेड़िया नहीं है, क्योंकि आदमखोर भेड़िया मरने के बाद इंसान बन जाता है जो कि मैंने अपनी पत्नी को मारा था। तो फादर सुलेमान की पत्नी जो होती है वह आदमखोर भेड़िया होती है। यह बात सुनकर गाँव वाले भरोसा नहीं करते हैं और अपना जश्न इंजॉय करने लगते हैं उस भेड़िया को मारने की वजह से। तभी वहाँ पर सब डांस करने लगते हैं, यह देखकर काफी इंजॉय कर रहा होता है और हम लोगों को काफी अच्छा लगता है। सब वहाँ पर मस्त अपना झूम रहे होते हैं, दारू सारू पी रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर भेड़िया आता है जो कि अटैक कर देता है। पर फादर सुलेमान ने वहाँ पर अपनी आर्मी लगाई हुई थी जिसकी वजह से इधर पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर भेड़िया इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वह फादर सुलेमान के सोल्जर्स को इधर उधर पटक कर वहाँ से भागने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह भेड़िया सीधा जाता है वाल्टी के पास और वाल्टी के पास जाने के बाद वह उससे बात करने लगता है, जिससे कि भेड़िया की भाषा वाल्टी को आसानी से समझ में आ जाती है। और यार उसकी फ्रेंड देख रही होती है क्योंकि फ्रेंड को उसकी किसी भेड़िया की घुंखार सुनाई पड़ती है, लेकिन वाल्टी को पूरी की पूरी लैंग्वेज समझ में आने लगती है। और यह बात वैल्डी अपने दोस्त से बताने के मना कर देती है कि तुम ये किसी से मत बताना वरना सब मुझे डाइन समझ कर जला देंगे। यह डर कर काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर वहाँ पे आती है वैल्डी हैनरी के पास और उसे उसका दिया हुआ कंगन वापस कर रही होती है। तभी हमें भी दिखाया जाता है कि वैल्डी का जो भाई होता है उसे फादर सुलेमान पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम हमारे भेड़िए का पता बताओ वरना मैं तुम्हें जला दूंगा, लेकिन उससे कुछ बोल नहीं पाता है, इस वजह से वह कुछ बोलते ही नहीं है। और उसे फादर सुलेमान एक हाथी में बंद कर देते हैं और नीचे से आग लगा लेते हैं। यह हाथी एक लोहे का हाथी होता है जिसकी गर्म की वजह से इंसान बोल देता है। कुछ देर जलने के बाद उसके भाई की डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उस वैल्डी की दादी हैनरी से मिलने आती हैं और क्योंकि उनकी दादी को भेड़िया होने का शक हैनरी पर होता है इसलिए वहाँ पर हैनरी से बात करी होती है। पर हैनरी वहाँ पर कहता है कि मैंने जिस भेड़िया की खुशबू सूंघी थी वो तो सिर्फ आपकी जैसी है, क्या पता आप ही भेड़िया हो। और वहाँ से उसकी दादी जाने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैल्डी को किडनैप पकड़ कर फादर सुलेमान भेड़िया का शिकार करना चाहते हैं और वैल्डी को वो आगे कर देते हैं, लेकिन तभी पीटर और हैनरी मिलकर एक साथ वैल्डी को बचाने की कोशिश करते हैं और गाँव में आग लगाकर उसे धुआं फैलाकर फिर वैल्डी को छुड़ा लेता है हैनरी, लेकिन पीटर पकड़ ही जाता है। पीटर को उसी हाथी के अंदर फादर सुलेमान बंद कर देते हैं जिसमें उसके भाई को बंद किया था। और फिर हमें दिखाते हैं हैनरी और वैल्डी को जो कि एक साथ भाग रहे होते हैं। वह भागकर गांव के किनारे पर जाते हैं, पर तभी वहां पर फादर सुलेमान आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फादर सुलेमान ने वैल्डी को पकड़ कर किनारे बांध दिया है और चर्च के किनारे रखने की वजह से भेड़िया वहाँ पर आ जाता है और फादर सुलेमान के सभी सोल्जर्स को मार देता है। फिर वह भेड़िया वैल्डी से बात करता है और कहता है तो मेरे साथ चलो ना, मैं पूरे गांव को शमशान बना दूंगा। यह सुनकर वैल्डी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तभी सभी गाँव वाले की सभी लड़कियाँ जो होती हैं उसकी दोस्त वो आगे आती हैं और कहती हैं हमारे साथ तुम्हें नहीं करने देंगे। तभी फादर सुलेमान आगे आते हैं और लड़ने की कोशिश करते हैं, पर भेड़िया उनका हाथ काट देता है जिसकी वजह से फादर सुलेमान की भी डेथ हो जाती है।
फिर हमें नेक्स्ट डे सुबह दिखाया जाता है कि सभी उस भेड़िए को ढूंढने जा रहे हैं जो कि रात में आया होता है। और यहाँ पर वैलरी भी जाती है, पर वैलरी को पीटर मिलता है और पीटर पर भेड़िया होने का शक रहता है वैलरी को, इसलिए वैलरी उसे चाकू से वार करती है, लेकिन पीटर फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैलरी अपने मिलने अपने दादी के घर आती है, लेकिन उसकी दादी की जगह वहाँ पर उसके डैड होता है। उसके डैड बताते हैं कि मैं ही भेड़िया हूँ, पर यह बात सुनकर वैलरी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है क्योंकि उसको अपने डैड पर कभी शक नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है जब उसके डैड उस वैलरी को मारने वाले होते हैं और पीटर और उसके डैड के बीच फाइट होती है। वैलरी के डैड पीटर को काफ़ी आसानी से हरा देते हैं क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तभी वहाँ पर वैलरी फादर सुलेमान का हाथ लेती है और अपने डैड के सीने पर वार करती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैलरी और पीटर वैलरी के डैड की लाश को छुपाना चाहते हैं और वह उनके सीने में खूब सारा पत्ता भरकर लाश को पानी में फेंक देते हैं जिसकी वजह से डूब जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैलरी और पीटर अब एक साथ रहने लगे हैं, पर पीटर गांव वालों की मदद करता है, पर पीटर भी एक भेड़िया बन जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसको खरोंच मार दी थी जिसकी वजह से उसके डैड की शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।